हे स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फैजी क्लासेस में और मैं हूं आपका डियर सईद फैजी। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक अमेजिंग सेंटेंस लेकर आया हूं जिनका यूज हमारी लाइफ में तो डेली होता है। जैसे इस तरह का वाक्य आप लोग अपने दोस्तों में या फैमिली में अक्सर बोलते होंगे कि ना जाने वह क्या कर रहा है, राइट? ना जाने ये कैसा हो गया, ना जाने वह कहाँ चला गया। तो अगर इन्हीं सब सेंटेंस को आपको इंग्लिश बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सो गाइस आइए इसका स्ट्रक्चर और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकें। सो आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड यानी when, why, what, where, ओके, एंड प्लस आपका होगा ऑन अर्थ, राइट, एंड प्लस HV यानी is MR, एंड प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड लास्ट में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सो इसी स्ट्रक्चर से आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए जल्दी से एग्जांपल देते हैं ताकि आप बिल्कुल बारीकी से समझ सके। गाइस हमारा पहला एग्जांपल है ना जाने वह क्या सोच रहा है। इस तरह का वाक्य आप लोग बोलते होंगे ना कि यार ना जाने वह क्या सोच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों आ जाए, सबसे पहले हमें आगे लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाट, राइट, एम प्लस आप लिखेंगे ऑन अर्थ, जैसा कि आप फार्मूला देख सकते हैं वाट ऑन अर्थ, एंड देन आपका होगा इज एम आर यानी साइक्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा इज, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि अगर ही रहेगा सी रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी साइक्रिया इज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इज एंड प्लस आपका ही थिंकिंग, तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया वाट ऑन अर्थ इज ही थिंकिंग, वाट ऑन अर्थ इज ही थिंकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ना जाने यह कैसे हो गया, तो आप लिखेंगे हाउ ऑन अर्थ डिड इट हैपन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हाउ का यूज़ करूँ, क्यों, क्योंकि वाक्य में क्या कैसे आया है, तो जब कैसे आएगा तो आप हाउ कर देंगे। सो आइए बनाते हैं हाउ ऑन अर्थ डिड इट हैपन। नेक्स्ट एग्जांपल ना जाने वह बीमार कैसे पड़ गया, हाउ ऑन अर्थ डिड ही इल, हाउ ऑन अर्थ डिड ही इल। सो गाइस इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने माइंड से बनाकर बोल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। और दोस्तों एक बात और आपके लिए एक होमवर्क है, आपका लाइक होमवर्क है कि ना जाने वह कहाँ चला गया, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बताएंगे लाइक कमेंट में ताकि मैं देख सकूँ कि आपने क्या सीखा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।